ओरिगेटोजेनेसिस युग्मक जनन जनदों वृषण और अंडाशयों में जननिक एपिथिलियम की कोशिकाओं से युग्मक कोशिकाओं के बढ़ने की प्रक्रिया को ही गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। गैमेट्स या युग्मक लैंगिक जनन में भाग लेने वाली विशेष प्रकार की लैंगिक कोशिकाएं, सेक्स सेल्स अर्थात युग्मक कोशिकाएं नर के वृषणों में बनने वाली नर युग्मक कोशिकाओं मेल गैमेट्स या शुक्राणु कहलाती हैं, जो शरीर की अन्य दैहिक कोशिकाओं से भिन्न होती हैं। इनके केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, इसे हेप्लॉयड या स्मालियन कहते हैं। प्रत्येक जीव जाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। मनुष्य जाति में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, लेकिन प्रत्येक दैहिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। युग्मक कोशिकाएं जनदों में जननिक कोशिकाओं के एक विशेष प्रकार के कोशिका विभाजन जिसे अर्धसूत्री विभाजन, रिडक्शन डिवीजन या मियोटिक डिवीजन या मियोसिस कहते हैं, उनसे बनती हैं। इस प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। वृषणों में इसे स्पर्मेटोजेनेसिस तथा अंडाशयों में इसे अंडाणु जनन या ऊजेनेसिस कहते हैं। दोनों युग्मकों की संरचनाएं भिन्न भिन्न होती हैं, लेकिन दोनों के युग्मक जनन की प्रवस्थाएं लगभग समान होती हैं। पहली प्रवस्था होती है गुणन प्रवस्था, मल्टीप्लिकेशन फेज। सेकेंड वृद्धि प्रवस्था या ग्रोथ फेज, और थर्ड होती है परिपक्वन प्रवस्था या मैचुरेशन फेज। शुक्राणु जनन पुरुषों के वृषणों टेस्टिस की शुक्रजन नलिकाओं सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में होता है। इन नलिकाओं की जननिक एपिथिलियम की अधिकांश कोशिकाएं शुक्रजनन स्पर्मेटोजेनेसिस करने वाली घनाकार जननिक कोशिकाएं होती हैं, तथा शेष जननिक कोशिकाओं जर्मिनल सेल्स को अवलंबन प्रदान करने वाली सर्टोली की कोशिकाएं सेल्स ऑफ सर्टोली होती हैं। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया तीन चरणों में पूर्ण होती है। फर्स्ट स्टेप है गुणन प्रवस्था या मल्टीप्लिकेशन फेज। भ्रूण के वृषणों में शुक्रजन नलिकाओं सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स की प्रारंभिक जननिक एपिथिलियम की कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं के बारंबार सामान्य समसूत्री विभाजनों द्वारा माइटोटिक डिविजन्स के द्वारा शिशु अवस्था से विकास तक जननिक एपिथिलियम में द्विगुणित अर्थात डिप्लॉयड शुक्राणुजन कोशिकाएं या स्पर्मेटोगोनिया बन जाती हैं। यौनारंभ जब बच्चे जवान होते हैं 13 वर्ष से ऊपर की आयु होने पर हार्मोन्स के प्रभाव से यह जननिक एपिथिलियम सक्रिय होकर शुक्रजन कोशिकाओं के कई स्तर बना लेती हैं। सेकेंड है वृद्धि प्रवस्था या ग्रोथ फेज। जैसे जैसे शुक्राणुजन कोशिकाएं शुक्रजन नलिकाओं की गुहा की ओर बढ़ती हैं, ये वृद्धि करके कुछ बड़ी हो जाती हैं, जिसे प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। परिपक्वन प्रवस्था मैचुरेशन फेज। प्रत्येक प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं दो बार विभाजित होती हैं। पहला परिपक्वन विभाजन फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन या रिडक्शन डिवीजन होता है। अतः इसमें प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं दो अर्धसूत्री संतत कोशिकाओं में बढ़ जाती हैं, जिसे द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। ये कोशिकाएं फिर दूसरे परिपक्वन विभाजन सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन द्वारा बढ़ती हैं, जो समसूत्री प्रकार का होता है। अतः इसके फलस्वरूप बनी संतत में गुणसूत्रों की संख्या अर्धसूत्री रहती है। इन्हें पूर्व शुक्राणु या स्पर्मेटिड्स कहते हैं। इस प्रकार परिपक्वन में प्रत्येक प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं चार अर्धगुणसूत्री चार अर्धसूत्री स्पर्मेटिड्स में पड़ जाती हैं। स्पर्मियोजेनेसिस शुक्र कायांतरण लैंगिक संयुग्मन सेक्सुअल यूनियन में भाग लेने वाले नर युग्मक अर्थात शुक्राणु स्पर्मेटिड्स से काफ़ी भिन्न होते हैं। अतः शुक्राणु बनने के लिए प्रत्येक स्पर्मेटिड्स में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं।
इस जटिल प्रक्रिया को शुक्र कायांतरण या स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। इसके फलस्वरूप गोल्जी स्पर्मेटिड्स कोशिका एक लंबे और पतले कोड़े नुमा शुक्राणु स्पर्म या स्पर्मेटोजोन में बदल जाती है। यह प्रक्रिया सर्टोली की कोशिकाओं के गर्तों में प्रारंभ होकर एपिडिडाइमिस नलिका में पूर्ण होती है। शुक्राणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। मनुष्य के शुक्राणु को चार स्पष्ट भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। प्रथम भाग है हेड या शीर्ष, जो आगे की ओर होता है। द्वितीय भाग है नेक या ग्रीवा, जो छोटी सी गर्दन के रूप में होता है। थर्ड है पीस मिडिल या मध्यखंड, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और चौथा भाग है टेल या पूंछ, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक लंबा आवरण होता है। मनुष्य के शुक्राणु को एक प्लाज्मा झिल्ली चारों ओर से घेरे रहती है। शीर्ष भाग में एक बड़ा और अगुणित केंद्रक हेप्लॉयड न्यूक्लियस होता है, जो आगे की ओर एक टोपी जैसी रचना अग्रपिंड या एक्रोसोम से ढका रहता है। इसमें फर्टिलाइजेशन के समय मादा के अंडाणु ओवम की झिल्ली को नष्ट करने वाले एंजाइम्स होते हैं, जिनमें हाइलुरोनिडेज प्रमुख है। केंद्रक के पीछे दो सेंट्रियोल्स उपस्थित होते हैं। अग्रस्थ प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल प्रायः ग्रीवा में स्थित होता है, जो निषेचित अंड के प्रथम विदलन फर्स्ट क्लीवेज के लिए आवश्यक होती है। दूरस्थ या डिस्टल तारक केंद्र से शुक्राणु के अक्षीय सूत्र एक्सियल फिलामेंट का निर्माण होता है। मध्य खंड तथा पूंछ में पक्षमाप तथा कशाभिका की भांति 9+2 व्यवस्था क्रम में सूक्ष्म नलिकाएं या माइक्रोट्यूबुल्स होती हैं। मध्य खंड में सूक्ष्म नलिकाओं पर अनेक माइटोकॉन्ड्रिया लिपटे होते हैं, जो शुक्राणु को गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। मैथुन क्रिया या कॉपुलेशन में लगभग 20 से 30 करोड़ शुक्राणु अस्खलित होते हैं। सामान्य जनन क्षमता नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए लगभग 60% शुक्राणु सामान्य आकृति व आकार के होने चाहिए, जिनमें सामान्य जनन क्षमता के लिए 40% तीव्र गतिशीलता वाले शुक्राणु आवश्यक होते हैं। शुक्राणु का अग्र छोर टेडपोल नुमा होता है, जिसमें एक केंद्रक और दो सेंट्रियोल्स उपस्थित होते हैं। शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रियल स्पायरल मतलब माइटोकॉन्ड्रिया स्पायरली अरेंज्ड होते हैं, जिनमें पतली पतली माइक्रोट्यूबुल्स नलिकाएं इनसे जुड़ती हैं। पश्च भाग टेल या पूंछ कहलाता है, जो लंबा होता है। मेल हार्मोन्स, वृषणों में शुक्र जनन नलिकाओं सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के बाहर संयोजी उत्तकों में लिपिड युक्त अंतराल की कोशिकाओं इंटरस्टिशियल सेल्स या सेल्स ऑफ लेडिंग के छोटे छोटे समूह होते हैं। ये कोशिकाएं कोलेस्ट्रॉल युक्त नर हार्मोन्स एंड्रोजेंस का श्रावण करती हैं। प्रमुख एंड्रोजेंस टेस्टोस्टेरॉन होता है। इसे पौरुष विकास हार्मोन्स या मैस्कुलिनाइजेशन हार्मोन्स भी कहते हैं। किशोरावस्था एडोलेंसेस में अर्थात यौनारंभ पबेट्री से लेकर प्रौढ़ता एडल्टहुड की आयु लगभग 20 वर्ष तक की आयु तक यह काफ़ी मात्रा में स्रावित होकर हड्डियों और पेशियों तथा सभी अंगों के विकास जैसे वृषण कोश शुक्रवाहिनी शिश्न इत्यादि को प्रेरित करता है। टेस्टोस्टेरॉन, इस हार्मोन्स के प्रभाव से नर लैंगिक लक्षणों मेल सेक्स करेक्टर्स का विकास होता है, जैसे पुरुषों में दाढ़ी मूछ तथा बगलों में वक्ष एवं जांघों के क्षेत्रों में घने बालों का उगना, स्वभाव में उत्साह एवं उद्यमशीलता अग्रेसिवनेस मैथुनिच्छा इत्यादि का विकास होता है। इस पर मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। गर्भकाल में अपरा या प्लेसेंटा से स्रावित कोरियोनिक गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन्स के प्रभाव से
8 से 9 सप्ताह के ही नर भ्रूण में विषों से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होने लगता है और शिशु में शिश्न अंडकोश एवं अन्य जननांगों के निर्माण को प्रेरित करता है। जन्म के बाद से बाल्यावस्था की समाप्ति तक वृषण निष्क्रिय रहते हैं, फिर यौन आरंभ 11 साल से 13 साल की आयु के बाद से पीयूष ग्रंथि के FSH एवं LH हार्मोन्स वृषणों को फिर से सक्रिय कर देते हैं। लगभग 40 वर्ष की आयु तक टेस्टोस्टेरोन का श्रावण काफ़ी मात्रा में होता है, इसके पश्चात इसकी मात्रा कम हो जाती है। बधियाकरण कास्ट्रेशन, वृषणों को काटकर हटा देने को बधियाकरण कहते हैं। यौन आरंभ से पूर्व बधियाकरण कर देने से टेस्टोस्टेरोन के अल्प श्रावण अर्थात हाइपोगोनेडिज्म के अतिरिक्त लैंगिक लक्षणों का विकास नहीं हो पाता और व्यक्ति नपुंसक या हिजड़ा न्यूटर आर इवंश हो जाता है। हिजड़ों में दाढ़ी मूछ का विकास नहीं हो पाता, ये लंबे किंतु कमजोर हो जाते हैं, जननांग छोटे व निष्क्रिय हो जाते हैं और मैथुन की इच्छा समाप्त हो जाती है। पशुपालन में बधियाकरण से इनके स्वभाव में सरलता आ जाती है। पशुओं में घोड़े व मुर्गे को क्रमशः बधियाकरण करने के बाद स्टीयर व कैपोन कहते हैं।